नमस्कार, 7 बजने वाले हैं और जी हिंदुस्तान पर वक्त हो गया है मेरा राज्य मेरा देश का। और आपके साथ मैं हूं अंजनी कुमार सिंह और शुरू करेंगे मेरा राज्य मेरा देश की उन 4 बड़ी खबरों के साथ जो आज दिन भर सुर्खियों में रही और जिन्हें जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज मेरा राज्य मेरा देश की जो पहली खबर है वो हम आपको बताते हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री की कुर्बानी की है। खबर केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू देवताओं के बहिष्कार करने की है। अब ये उन पर भारी पड़ गया और इसकी कीमत उन्हें अपने मंत्री पद को गवा कर चुकानी पड़ी। राजेंद्र पाल गौतम ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और मेरा राज्य मेरा देश की दूसरी जो बड़ी खबर है वो देखिए महाराष्ट्र की सियासत से है, जहां पर बड़ा घमासान छिड़ गया है। शिवसेना के दोनों धड़ों में कोई भी उपचुनाव में अब चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल यानी तीर कमान का इस्तेमाल नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया। इसके बाद से मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। उद्धव ठाकरे काफी नाराज हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं मेरा राज्य मेरा देश में आज की तीसरी बड़ी खबर आपको बताएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान के बाद एआईएमएम वाले ओवैसी साहब बहुत नाराज हो गए हैं, भड़क गए हैं। ओवैसी की ही तरह समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भी भागवत के इस बयान की मुखालफत कर रहे हैं। चलिए और आज की जो चौथी बड़ी खबर है ये भी आप जान लीजिए। ये बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री इस दौरान 5 जिलों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से राज्य को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। करीब 15,500 करोड़ की सौगात वो देने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत महसाड़ा से की है। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन जो सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर है उसका रुख करते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करना भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के 2 दिन के बाद ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है, क्या गुजरात चुनाव में हुए पार्टी को नुकसान को देखते हुए मंत्री जी की विदाई कर दी गई? सनातन का इंसल्ट, 2 दिन में रिजल्ट, नुकसान की भरपाई, मंत्री जी की विदाई। दिल्ली में बौद्ध महासभा के दौरान हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिल्ली के कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर भारी पड़ गया और इसकी कीमत उन्हें मंत्री पद गंवा कर चुकानी पड़ी। विवाद होने के 2 दिन बाद ही राजेंद्र पाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा क्यों दिया आप खुद ही सुनिए। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मेरा अपने मेरे मन ने मुझे स्वीकार किया कि मैं अपनी पार्टी को, जिसने मुझे मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान दिया, जबकि उनका कोई रोल नहीं उस प्रोग्राम का, उन्हें पता भी नहीं है और उस पर इस तरह का बीजेपी उसको धार्मिक उन्माद बनाने की कोशिश कर रही है, पूरे दलित समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इतना बोल रही है, उनके लोग हमें धमकी दे रहे हैं, तो ये मैं स्वीकार। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे को संत समाज और बीजेपी नेताओं ने सनातन की जीत बताया। बहुत ही प्रसन्नता के विषय है कि अब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री ने। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने उस चीज को समझा और उनसे इस्तीफा लिया। कल वडोदरा की जनता का गुस्सा, गुजरात का आक्रोश और जिस प्रकार से उनको कल भागना पड़ा वडोदरा से, उसका ये परिणाम है कि आज वापस आते ही दिल्ली तुरंत राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये गुजरात की जनता की जीत है। 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंबेडकर भवन में लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई गई, जिसमें मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान हिंदू धर्म को नर्क बताया गया और देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। वीडियो वायरल होने के बाद संत समाज में भारी नाराजगी है, यहां तक कि आम आदमी पार्टी के बहिष्कार की बात की गई। शनिवार राजेंद्र पाल गौतम के घर के बाहर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया, भगवा झंडा लगा दिया और इस दौरान मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लेकिन इस्तीफे के पीछे असल खेल गुजरात चुनाव है।
गुजरात में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया, लिहाजा सीएम केजरीवाल का गुजरात में जगह जगह विरोध होने लगा। गुजरात के कई शहरों में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए पोस्टर चिपका दिया गया। राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया, खासकर गुजरात चुनाव में पार्टी को नुकसान होने की पूरी आशंका थी, लिहाजा आम आदमी पार्टी के पास राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तरुण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान छिड़ गया है, शिवसेना के दोनों जो धड़े हैं अब चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल वहां पे उपचुनाव होना है और उपचुनाव में चुनाव चिन्ह तीर कमान का इस्तेमाल अब दोनों दल जो दोनों धड़े हैं वो नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने पार्टी के इस सिंबल को फ्रीज कर दिया है। इसके बाद से मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। तीर कमान गया, खून खौल गया, असली शिवसेना की रेस कौन मारेगा बाजी। मुंबई की सियासत में जिस तीर कमान का राज चलता था, आज वही तीर कमान बाला साहेब के बेटे उद्धव से दूर जाता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और उद्धव खेमे की लड़ाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक शिवसेना नाम और धनुष बाण निशान फ्रीज करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद से मुंबई में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उद्धव कैंप की बैठक हुई जिसमें कि उद्धव ने अपने समर्थक विधायकों को संबोधित किया। उद्धव ने ट्वीट कर कहा है कि सिंबल फ्रीज करके हमारा खून उबाल दिया है। उद्धव कैंप के एमएलए भास्कर जाधव का बयान भी सामने आया है। हम रुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम टूटेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो जिसको ऐसा लगता है कि शिवसेना खत्म हो गई, बिल्कुल शिवसेना खत्म नहीं होगी, ये छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र है। चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे गुट को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के 3 विकल्प देने को कहा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नाम और निशान की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो उद्धव गुट ने 2 नाम इलेक्शन कमीशन को बताए हैं, पहला शिवसेना बाल साहेब ठाकरे और दूसरा शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे। निशानों में उद्धव गुट ने अपनी पहली पसंद त्रिशूल बताई है, दूसरा निशान उगता हुआ सूर्य है। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग के सिंबल और पार्टी नाम फ्रीज कर देने से सबसे ज्यादा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा, क्योंकि उपचुनाव में शिंदे गुट के बजाय बीजेपी मैदान में उतरेगी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए जम करके भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बॉक्सिंग देशद्रोहियों ने आज शिव के नाम और प्रतीक को फ्रीज करने का घिनौना और बेशर्म काम किया है, इससे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सच्चाई के पक्ष में हैं, सत्यमेव जयते। हालांकि पार्टी निशान और नाम को लेकर के उद्धव और शिंदे गुट के बीच अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन अंधेरी उपचुनाव से पहले आया फैसला उद्धव के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान को लेकर अब हंगामा हो गया है। ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब भी अब भागवत के बयान की मुखालफत कर रहे हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। भागवत का जनसंख्या ज्ञान, तिलमलाए भाईजान। जनसंख्या पर भड़के ओवैसी, क्यों लगी मिर्ची? भड़काओ सियासी चाह, मुसलमानों को करे गुमराह। भड़काऊ बयानबाजी ही जिनकी सियासत का हथियार हो, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर घोलते हैं, अपनी तकरीरों से जो माहौल बिगाड़ते हैं। AIMIM वाले वही असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भड़क रहे हैं। मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्हें मिर्ची लग रही है। दरअसल हाल ही में मोहन भागवत ने जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताई थी, एक ऐसी जनसंख्या नीति की मांग की थी जो सब पर एक समान लागू हो।
अब उसी बयान पर भागवत को ओबीसी ने जवाब दिया है। आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुमना खामा खा टेंशन में मत ला जाओ। अरे आबादी बढ़ रही रही, नहीं बढ़ रही आबादी, गिर रही आबादी, गिर रही हमारी, हर टीवी पर बैठ के बोलते। वैसे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर जो बयान दिया था उसमें उन्होंने किसी समुदाय विशेष पर उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन ओबीसी भाईजान को भागवत का यह बयान रास नहीं आया। ओबीसी की ही तरह समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन भी भागवत के बयान की मुखालफत में उतर आए। हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि जनसंख्या को अभिशाप क्यों समझा जाता है। जनसंख्या किसी विशेष मजहब के लोग नहीं बढ़ाते जैसे कि इल्जाम लगाया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक अगर मुसलमान फैमिली प्लानिंग ना करें तो लगभग 2000 साल लगेंगे जब मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के बराबर में आ सकते हैं। दरअसल ओबीसी और एसटी हसन का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर ओबीसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बात हिंदुस्तान की जनता बखूबी जानती है। जनता ये भी जानती है कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले भाईजान की सियासत ही बगावत की आग से चमकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।